और जो ये व्यू है ना वो तो ज्यादा ही औसम है भाई, ये कहीं पे भी चलो हो जाता यार, तू कितना धीरे धीरे से आ रहा है। सो हे गाइस, व्हाट्स अप, इज वेलकम बैक टू माय नेक्स्ट अंडर ब्लॉक भाई। सो आज हम जाने वाला है ब्लॉक पर, जाने वाला है हम ब्लॉक पे। आज की वीडियो थोड़ा स्पेशल होने वाला है क्योंकि हम लोगों के साथ आज है तीन परिया भाई, और एक ये तो पता है आप लोगों को लड़की बस इसलिए लड़की के पीछे पीछे हमेशा रहता है। यहाँ पे ना ज्यादातर सीढ़ी और पहाड़ी ज्यादातर देखा देगा भाई, और मेरा तो यहाँ तक चढ़ते चढ़ते सांस फूल गया। और ये लोग कितना धीरे धीरे से आ रहा है, अरे जल्दी चलो कि वो सब घूमो ना। तो यही एक प्रॉब्लम है, आगे जाके वेट करते रहना पड़ता है। और देखो ये तो फिर से चालू हो गया, कहीं पे भी चालू हो जाता है यार, तू ये सब नहीं करते रे बाबा, रास्ता पे तो छोड़ दिया करो। और जो ये व्यू है ना वो ऑसम है यार, मन को भे गया मेरा तो। मुझे ऐसा लगता है कि 10-15 किलोमीटर अगर मैं पैदल चले भी जाऊँ ना तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। और अभी फाइनल हम लोग पहुंच चुके हैं लोकेशन पे, ये भाई वे क्या व्यू है यार, जमीन पे पैर रखने की जरूरत ही नहीं पड़ता यार। रास्ता भी ऐसा रास्ता देखो ना, पीस से बना हुआ रास्ता, और जो साइज का जो घास है ना वो भी घास और पत्थरों से बना हुआ है भाई। नहीं है ना, सो अभी वो लोग भी वापस आ चुका है, और अभी वो लोग कह रहे हैं कि चलो रिटर्न चलते हैं। पता नहीं आने का भी जल्दी जल्दी, जाने का भी जल्दी जल्दी, नहीं तुम लोगों का क्या होगा यार, आने का भी जल्दी जल्दी, जाने का भी जल्दी जल्दी। और यहाँ पे ना मैंने एक चीज नोटिस किया है, हर दिन अलग अलग टूरिस्ट आता रहता है यहाँ पे। ऑसम भाई, क्या सुपर बाइक दिखता है यहाँ पे, लेकिन हम लोग की उधर तो साला एक पैटिना डिस्कवर, उसके अलावा कुछ दिखाई नहीं दिया भाई। लेकिन यहाँ पे ना इतना सुंदर सुंदर रास्ता और इतना सुंदर सुंदर पहाड़ को छोड़ के जाने का मन ही नहीं कर रहा है भाई, कितना ऑसम है ना। मैं इन लोगों को छोड़ के जाए ना जाए, लेकिन ये लोग तो मेरे को छोड़ के चला गया, पता नहीं कहाँ तक चला गया ये लोग आगे। लेकिन तेरा भाई भी किससे कम नहीं है भाई, हम जहाँ से आए वहीं से वापस चला जाएगा। A few moments later, यहाँ तक आते आते थक गया। और यहाँ पे जितने भी छोटे छोटे दुकान निकले ना, ये सब हफ्ते में बस 2 बार खुलता है। यहाँ का जो घर है ना वो छोटा छोटा कितना प्यारा दिखता है। रुको भाई रुको, ऊपर से दिखाता हूँ, धीरज रखो पुत्र, दिख जाएगा ना। यहाँ पे दूसरा लोग रहता है और हम लोग रहता है नीचे। ओ भाई, और यहाँ का जो सीढ़ी है ना वो कितना छोटा छोटा है। ये कुछ ऊपर का व्यू, और जो घर है ना वो इतना प्यारा दिखाई दे रहा है यहाँ से, और पास में तो और कुछ ज्यादा ही। और यहाँ ऊपर से ना जमीन बिल्कुल दिखाई नहीं देता है, हर तरफ पीस सीमेंट ये सभी दिखाई देगा दिखेगा यहाँ से, ऑसम लगता है ना फॉग। अभी यहाँ पे कुछ ज्यादा ही ठंड लग रहा है भाई, और अभी रात भी होने वाला है, सो इसी कारण अभी नीचे जाके खाना पकाना पड़ेगा हमें। अभी समझ में नहीं आ रहा था क्या बनाऊं क्या नहीं, क्योंकि सब्जी कुछ भी नहीं है, बचा हुआ खाना है, सो इसको फ्राई करेगा मस्त से। ऑयल वैसे गर्म हो गया मेरे ख्याल से, अभी इसको डाल लेते हैं। बस 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 बढ़िया, थोड़ा सा ऐसा 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 ऐसा, उसके बाद खाना में थोड़ा सा हल्दी और थोड़ा नमक, थोड़ा नहीं कुछ ज्यादा ही। ये गया और ये गया और ये टू भी गया और टू भी गया, बस काफी। अभी इसको मिक्स करते हैं अच्छे से। अच्छे से मिक्स होने के बाद इसको बस डालते जाओ, पूरा
जाओ पूरा। वैसे बनाना नहीं आता लेकिन ट्राई करने में क्या हंस है। लगाओ गिर गया मैम। अभी फाइनली मेरे हाथ का बनाया हुआ रेसिपी हो चुका है तैयार। ओ माय गॉड ऑसम लग रहा है। और पता नहीं ये गेमर तो हमेशा गेम खेलता रहता है। ए मिस्टर आके अंदर तो। और अभी फ्राई करना पड़ेगा अंडा, ये वाला अंडा। अभी फाइनली अंडा भी पक्के हो चुके थे यार। खुद के हाथों से बनाया हुआ स्वाद ही अलग है। सो आज के लिए बस इतने मिलते हैं। कोई ब्लॉग पसंद है तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कुछ ना मिलते हैं अगले नेक्स्ट ब्लॉग पे। बाय बाय। ओके जानो तू धीम धीम ना धीरे धीरे जरा दम लेना प्यार से जो मिले गम लेना दिल पे जरा वो बम लेना। ओके जानो तू धीम।